खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां जंगलों में लगी आग थी वो अब बेकाबू हो गई है। बता दें कि आग गर्मी बढ़ने के कारण लग गई है। आग इतनी बढ़ गई कि शुक्रवार को हाईकोर्ट कॉलोनी के पास तक उसकी लपटें पहुंच गई, जबकि रुद्रप्रयाग जिले के जंगल में आग लगाते तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में विभिन्न स्थानों पर जंगलों में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई, जिनमें 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद नैनीताल के हल्द्वानी पहुंचे, जहां वो जंगल की आग रोकने को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए नजर आए। आग के बढ़ते कहर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और सभी विभागों के साथ समन्वय कर उसकी रोकथाम के उपाय करने को कहा। आपको बता दें कि नैनीताल जिला मुख्यालय के पास के जंगलों में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग से पाइन्स क्षेत्र में स्थित हाईकोर्ट कॉलोनी को भी खतरा पैदा हो गया है, जबकि क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित हुआ है। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ही सेना के जवान भी आग पर नियंत्रण पाने में लगे हुए हैं। आग बुझाने में लगे हेलीकॉप्टर नैनीताल के भीमताल झील से पानी उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगल की आग हमारे लिए एक चुनौती है, ये एक बड़ी आग है, हम सभी जरूरी जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा कि हमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा आग बुझाने के लिए नैनीताल से पानी लेने की अनुमति मांगने की सूचना मिली थी। व्यवस्था करने के लिए हमने झील में नौकायन को दिन भर के लिए बंद कर दिया। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो जरूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं, और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आई थी, मेन हमारे पास ये आया था कि वायुसेना की तरफ से जो आई थी हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए, तो उन्हें परमिशन चाहिए थी नैनीताल से पानी ले जाने के लिए, तो उसकी हमें सूचना आई थी, तो हमने उस क्रम में ही यहाँ पे वो किया था तथा यहाँ पे जो है बोटिंग बंद कराई थी। किंतु ये जग जाहिर है कि नैनीताल में कई जगहों पर आग लगी है, पाइंस के पास, एरीज के पास और हमारे लड़िया कंठा में जो एयरफोर्स स्टेशन भवाली है उसके बहुत ही निकट लगी थी। तो ये जो हेलीकॉप्टर अभी आई है, इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो यही था कि जो एयरफोर्स का स्टेशन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उनके चारों तरफ जो आग पहुंच रही थी उन स्टेशन तक उसको बुझाया जाए।